अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा नूं जुहू स्थित एक प्ले ग्राउंड विच स्पॉट किया गया जिथे वह अपनी फिटनेस नूं मेनटेन करन वास्ते जम के पसीना बहा रही है। मुंबई विच रखी गई शैटर्स फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जिथे फिल्म की पूरी टीम कास्ट अते इसके नाल ही बॉलीवुड के कुछ सितारे भी नजर आए। I think the main response is कि you know the story looks very interesting and हम इतने सारे interviews कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आजकल you know people want to see movies which have a good content, you know they want to see story कि कुछ है कुछ you know and it's a very crisp film, it's not a very long film, songs नहीं है इसमें जो ज़रूरत भी नहीं है, education mafia के ऊपर है जो कि एक अलग subject है जिसके ऊपर ऐसी film आई नहीं है। इतने सारे we have 18 actors in this film and everybody is known for their acting skills, you know they are good actors, so I think overall it's a good package and it's not preachy, it's an entertaining film, तो लोगों को मजा तो definitely आने वाला है। okay, फिल्म में आपकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की जा रही है, किरदार कितना अलग है और कितना यूनिक है? बहुत अलग है, मुझे गन उठाने को मिला और मुझे किसी को हड़काने को मिला, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो आई वॉज बोर्ड ऑफ डूइंग रोल्स वेर आई एम लाइक द पर्सन जिसको लोग हड़का रहे, फॉर अ चेंज मैं दूसरों को यू नो थोड़ा सा धमका रही हूँ, सो आई रियली एंजॉय इट, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एंड या जो मैं इसमें एग्जामिनेशन जो स्कैम है कि उसमें पेपर लीक करना ये एक ऑर्गेनाइज बिजनेस है जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, और मैं उसमें एक डॉन का किरदार कर रहा हूँ, मेन विलन जो ये गूज बिहाइंड ऑल दिस और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, आपको सिनेमेटिक लिबर्टी मिल जाएगी। मुंबई विच वेडिंग सूत्रा इन्फ्लुएंसर अवार्ड देखने को मिला, इस मौके पर बॉलीवुड डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी, कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ नजर आई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नाल गल्लबातें कीतियां ते काफी एक्साइटेड लगी। आई थिंक हमारे देश में मैं कहूँगी कि शादियों का मौसम जो होता है ना वो हर साल होता है और पूरे साल होता है, कोई ऐसे नहीं है कि एक सीज़न है वेडिंग्स के लिए, इंडिया में तो हर सीज़न वेडिंग सीज़न ही होता है क्योंकि सब लोगों को आई थिंक इट्स वंडरफुल क्योंकि लोग इस इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, शादियों में बिलीव करते हैं, हमारा कल्चर भी इज़ वेरी कनेक्टेड टू बीइंग मैरिड एंड हैविंग अ होल फैमिली एनवायरनमेंट, सो आई लव वेडिंग्स, बहुत ही क्रिएटिव वेडिंग्स हो रहे हैं अभी इंडिया में। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अपने पति और बच्चों के नाल जुहू स्थित रेस्टोरेंट में स्पॉट की गई जिथे वह डिनर के लिए गई हुई थी। मुंबई में एनवीसी अचीवर अवार्ड का 10वां एडिशन देखने को मिला, हर साल की तरह इस साल भी इंडस्ट्री के कुछ खास चुनिंदा लोगों को इस अवार्ड के नाल नवाजा गया, जिन्हों विचों लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले और अभिनेत्री मौसमी चटर्जी नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया। अवार्ड किसको बुरा नहीं लगता है, मुझे जो मतलब ऐसे बहुत कुछ अवार्ड आजकल निकले हैं वैसे अवार्ड लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा जो अवार्ड है वो लेना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसलिए चुना, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। अवार्ड मिलना अच्छा लगता है, सभी नहीं अवार्ड अच्छे लगते लेकिन स्पेशल अवार्ड बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वैदेही जी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, वंडरफुल प्रोग्राम, आई हैव गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट लास्ट ईयर जब आए थे तभी भी बहुत अच्छा लगा, आज भी हम थोड़ा बैठे थे सुन रहे थे अच्छा लग रहे थे, जो स्टाइल से अवार्ड हो रहा है कोई अवार्ड फंक्शन ऐसा नहीं होता है। थैंक्स टू इनवाइट मी हियर और मौसमी चटर्जी का कम से कम 6 पिक्चर्स सिल्वर जुबली है मेरा म्यूजिक का, और आशा दीदी आशा ताई जी वो तो क्या बोलो, इन सीधे मैं वही स्टेज में बोला जा आसमान से कोई अगर तारे आए वही है आशा दीदी। स्कूल ग्राउंड दे विच सेलिब्रिटी चैलेंजर कप 2019 का आयोजन किया गया, इस मौके पे दो टीम जिदे विचो बॉलीवुड टीम दे कैप्टन अभिषेक बच्चन और टेलीविजन टीम दे कैप्टन शबीर आलूवालिया दी टीम दे विच मैच होया। थानू दस दिए कि ए एक चैरिटी मैच सी।